अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 का आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसकी हम लोग जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, हम लोग जो है वो किसी भी एक फोर्स को जो है उसके कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फोर्स एफ है, उसको हम लोगों ने क्या करना है, उसके कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट कर देना है। तो फोर्स एफ हम लोग जो है उस ग्राफ की मदद से हमने शो किया है कि जो हमारे पास ये लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स एफ है हमारे पास। और जो हमारे पास एफ एक्स है और एफ वाई है, ये दोनों क्या है, इसके कंपोनेंट हैं फोर्स के। हमारे पास एफ एक्स जो है वो ग्राफ की मदद से हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। उसको हम लोगों ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल में लिख लिया है। और जो हमारे पास वाई की वैल्यू होती है वो किस में होती है, हमेशा वर्टिकल में होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम लोगों ने कह दिया एफ एक्स है, और जो हमारे पास वर्टिकल है उसको हम लोगों ने क्या कह दिया है, एफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ की मदद से एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, ओ बी के, और जो हमारे पास एफ वाई है वो किसके इक्वल है, बी ए के। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उसको ग्राफिकली भी शो कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ग्राफिकली बन गई, जो हमारे पास एफ फोर्स ओ ए थी वो किसके इक्वल है, ओ बी के प्लस बी ए के। ठीक है, इसी तरह हम इसको जो है वो दूसरी तरह इसके कंपोनेंट में इसको शो करेंगे। तो ये हमारे पास होगा कि जो एफ है वो इज इक्वल है एफ एक्स प्लस एफ वाई के। ठीक है, इसमें प्लस इसलिए लगाया क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इसके कंपोनेंट को, फोर्स के कंपोनेंट को ब्रेक किया, स्प्लिट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि जो फोर्स है इसके जो कंपोनेंट्स है दोनों फोर्स के, उसके हम लोगों ने मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग जो है वो एफ एक्स ओवर एफ लिखेंगे, और हम जो है उसको ग्राफिकली जो हम लोगों ने इसको निकाला था उसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसको ग्राफिकली शो कर दिया। तो हमें पता है कि जो ओ बी है ओवर ओ ए है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। तो कोस थीटा को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे जो है वो एक टेबल बना दिया। यहाँ पे जो है ना, इस टेबल की मदद से मैं आपको बताऊंगी कि जो कोस थीटा है और जो हमारे पास ये साइन थीटा है इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिकल इसका कंपोनेंट था एफ वाई था, उसकी हमारे पास क्या होगी, उसको ग्राफिकली हम लोगों ने जो शो किया है वो है बी ए ओवर ओ ए के। और ये हमारे पास जो है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, वर्टिकल है, और वर्टिकल में जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, साइन थीटा के इक्वल है। अब हम लोग देखेंगे हमारे पास क्या है, ये पहले हम लोग जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट एफ एक्स की वैल्यू देख लेते हैं ग्राफ की मदद से कि ये कैसे निकाली है। तो हमारे पास जो एफ एक्स है वो क्या है, हमारे पास इसमें हमारे पास जो एंगल है वो किसका बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या एंगल है, ज़ीरो एंगल है। तो ज़ीरो एंगल पे हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू को देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कॉस थीटा है, और इसकी हमारे पास क्या है, ज़ीरो एंगल पे वैल्यू देखी, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, वन वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे सिंपल जो है वो कोस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे वन पुट कर दी। तो ये हमारे पास हो गया एफ एक्स ओवर एफ इज इक्वल टू कोस थीटा। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एफ एक्स को उसका एक कंपोनेंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो एफ एक्स होगा वो एक साइड पर रहेगा, और जो नीचे एफ हमारे पास है वो क्या होगा, दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 बन गई, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सेकंड कंपोनेंट है एफ वाई उसको फाइंड करेंगे। उसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ग्राफिकली जो है वो लिख लिया है, वो साइन थीटा के इक्वल था। हम लोगों ने इस ग्राफ के अंदर से देखना है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो साइन थीटा हमारे पास क्या है, वर्टिकल में है। तो वर्टिकल में हमारे पास इसकी यहाँ पे डिग्री कितना है, हमारे पास 90 डिग्री है। तो हम लोग देख लेंगे कि जो एफ साइन थीटा है उसकी हमारे पास, ये देखो ये हमारे पास क्या है, साइन थीटा, और इसके जब हम लोगों ने 90 के एंगल में इसकी वैल्यू देखी तो यहाँ पे हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली क्या किया है कि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर दिया, सेम उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने इक्वेशन 2 बनाई थी उसी तरह हम लोगों ने इक्वेशन 3 बना लेनी है। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली वैल्यू को पुट कर दिया, एफ जो था वो नीचे क्या है, यहाँ पे इसके, यहाँ पे भी जो है वो हम लोगों ने सेम करना है, जहाँ पे ये एफ नीचे के इसके नीचे है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सेकंड कंपोनेंट जो हमारे पास एफ वाई था इज इक्वल टू एफ साइन थीटा हो गया। हमारे पास ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास थी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, टू फोर्सेस को स्प्लिट किया था। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।